समस्तीपुर में 102 एम्बुलेंस कर्मियों ने अपनी मांग पूरी होने पर हड़ताल को खत्म करते हुए पुनः अपने काम पर लौट गए हैं। इनकी चार मांग, श्रम अधिनियम के अनुसार वेतन भुगतान किया जाए, निलंबित कर्मचारियों को वापस लिया जाए, अतिरिक्त काम के बदले अतिरिक्त वेतन दिया जाए और पे स्लिप दिया जाए के पूरी होने के बाद 102 कर्मचारियों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर अपनी अपनी खुशी का इजहार किया। सर्वांग लाइव के लिए समस्तीपुर से अभिषेक के साथ पटना से धीरज सिंह की रिपोर्ट। हम लोग जो 102 एम्बुलेंस कर्मी 5/8/2019 से जो हड़ताल पे गए हुए थे, चार मेरा मुख्य मांग था, श्रम अधिनियम के तहत वेतन, ठीक है, अतिरिक्त कार्य के बदले अतिरिक्त वेतन, निलंबित कर्मियों को वापस लेना, ये सारी हमारी मांग कल 9/8/2019 को श्रम आयुक्त पटना के समक्ष कंपनी और संघ के नेता और हमारे पूरे बिहार के जितने जिला अध्यक्ष सचिव और हमारे इंटक के जो प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी के समक्ष हम लोग का वार्ता हुआ, उसमें कंपनी हमारी सारी बात मांग ली है। इसी बात को लेकर हम लोग खुशी मना रहे हैं। आज हमारा हड़ताल 102 एम्बुलेंस कर्मी का टूट गया। जो कार्य जिला स्वास्थ्य समिति को करना था वो काम हम लोग 102 एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा बाधित कर हम आज वो काम अपने मुकाम पे ले आए हैं। ये काम जिला स्वास्थ्य समिति को करना था, काहे कि कंपनी को पेमेंट जिला स्वास्थ्य समिति करता है, उसको करना था कि श्रम अधिनियम के तहत स्टाफ को पेमेंट मिलना चाहिए, वो काम जिला स्वास्थ्य समिति नहीं किया। मजबूरन हम लोग कर्मी को हड़ताल पे जाके वो मांग पूरा करवाना पड़ा।